कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि भविष्य में जेलों में बंद कैदियों पर होने वाला खर्चा बचाने के लिए सरकारें कैदियों को सुनसान आइलैंड्स पर मरने के लिए छोड़ने लगेंगी। ऐसे ही एक आइलैंड पर लगभग 500 कैदियों को इतने कम खाने के साथ छोड़ दिया गया कि वो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का शिकार करने के लिए मजबूर हो गए। फिल्म की शुरुआत होती है एक सर्द पहाड़ी इलाके से, जहां जिलिन नाम का एक आदमी रुकने का ठिकाना ढूंढ रहा था। थोड़ा चलने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वो एक जमी हुई नदी में गिरकर फिसलने लगा। जैसे तैसे वो बाहर निकला और आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद जब उसे बहुत थकावट महसूस हुई तो वो एक पत्थर पर बैठकर अपने अतीत के ख्यालों में खो गया। जिलिन 6 लोगों के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। एक दिन उसे जेल के गवर्नर ने बुलाकर पूछा कि उसका सपना क्या है। उसके साथ के सभी कैदियों से भी यही सवाल पूछा जा रहा था। कोई समुद्र देखना चाहता था तो किसी को बस अपने परिवार से मिलना था। ओबेजियान नाम के एक कैदी ने तो यही कह दिया कि मैं तो जेल का गवर्नर बनना चाहता हूँ, बना दो। गवर्नर ने उन्हें बताया कि एक प्रोजेक्ट के तहत उन्हें दूर की एक जेल में भेजा जाएगा। कुछ देर बाद गवर्नर ने सभी कैदियों को एक शिप में चढ़ने के ऑर्डर दिए। जहाज में भी जेल की तरह सबको अलग अलग सेल्स में बंद कर दिया गया, लेकिन ओबेजियान बिना बात ही सबका लीडर बनने की कोशिश कर रहा था और अपना दबदबा बनाने के लिए उसने एक आदमी को मार भी दिया। जहाज के निकलने पर सभी कैदी बहुत घबराए हुए थे कि शायद उन सबको समंदर के बीच में ही मार दिया जाएगा। घबराहट और स्ट्रेस में कई कैदी आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। ये सब देखकर जिलिन को सीपा की एक बात याद आई। सीपा को एक दिमागी बीमारी थी और वो दीवार पर अजीबोगरीब चीजें बनाकर कुछ न कुछ बकता ही रहता था। लेकिन उस दिन उसने कहा था कि अब तो नर्क में भी जगह नहीं बची, इसलिए उन जैसे लोगों को उससे भी बेकार जगह जाना पड़ेगा। जिलिन को लगा था कि ये भी फालतू बकवास है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर अब उसे ये हकीकत लग रही थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गए, लेकिन सफर के बीच ही एक गैंग अपने सेल से निकलकर अपने एक साथी को ढूंढने लगी। ओबेजियान ने उससे समझौते का नाटक करके मौका मिलते ही उसे मार डाला। इसके बाद कैदियों के दोनों गुट आपस में भिड़ गए। जल्द ही गार्ड्स ने आकर कुछ फायर किए और लड़ाई रोक दी। उन्होंने कैदियों के पास स्लीपिंग गैस के गोले भी फेंक दिए ताकि आगे के रास्ते में आराम से सोते रहें। आखिरकार वो सब एक सुनसान आइलैंड पर पहुंचे, जहां सभी कैदियों को एक नंबर देकर हथकड़ी बांधी हुई थी। वहां मिस्टर ओलाफसन और मार्टा आए, जो टेरानोवा प्रोजेक्ट के हेड थे। क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों ने अब फांसी की सजा को बंद कर दिया था, तो अब कैदियों को रखने के लिए जगह कम पड़ रही थी। इसीलिए रशिया की सरकार ने टेरानोवा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अब से वो जेल में नहीं होंगे, लेकिन उनके गुलाम बनकर रहेंगे। उनकी जरूरत के लिए 3 महीने का राशन वहाँ मौजूद था। सैटेलाइट्स की मदद से उन पर हर पल नजर रखी जा रही थी। अगर उनकी कोई मांग हो तो वो समुद्र में बने कम्युनिकेशन सिस्टम का लाल बटन दबा सकते हैं। अगर हरी बत्ती आई तो मतलब उनकी डिमांड मान ली गई है, वरना भूल जाओ। ओबेजियान नजर रखे जाने के विरोध में पत्थर फेंकने लगा, लेकिन गार्ड्स ने बंदूकें दिखाकर सबको शांत कर दिया। मार्टा ने उन्हें बताया कि उसी कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए वो प्रोजेक्ट छोड़कर जा भी सकते हैं। उन्हें बस अपना नाम और जाने की वजह बतानी होगी, फिर उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जाने से पहले गार्ड्स ने सभी चाबियां मिलाकर फेंक दी, जो सबके नंबर के हिसाब से हथकड़ी खोलेंगी। सभी कैदी चाबी लेने ऐसे लपके जैसे गोलगप्पे देखकर लड़कियां। जिलिन और सीपा साइड में खड़े होकर गिरी हुई चाबियां इकट्ठा करने लगे। तभी एक गैंग ने गार्ड्स के बचे हुए हथियार उठाकर बाकियों पर हमला बोल दिया। हथियारों के दम पर एली की गैंग ने एक बार तो दूसरे गुट को दबा लिया, लेकिन जल्द ही बाकी कैदियों ने जवाबी हमला कर दिया। इस लड़ाई में कई लोग जान से हाथ धो बैठे। लड़ाई के दौरान दूसरी गैंग के कैदियों ने एली को भी मार दिया। समुद्र में लहरों का बहाव इतना ज्यादा था कि कुछ कैदी जो कम्युनिकेशन सिस्टम के पास जा रहे थे डूब कर मर गए। बाकी बचे कैदी स्टोर में जाकर सामान बांटने लगे। जिलिन ने जल्दी से एक जैकेट उठाई और जरूरत का सामान पैक करके वहाँ से जाने लगा। सीपा ने हिसाब लगाया कि ये खाना 3 महीने तक तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके बाद जिलिन उस जगह को छोड़कर अपने रास्ते निकल पड़ा और हम उस जगह पहुँच गए जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। वो एक ठिकाना ढूंढकर आराम करने बैठा और अपने परिवार की तस्वीर देखते हुए उन्हें याद करने लगा। बेचारा जिलिन आंखों में आंसू लिए वहीं सो गया। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज सुनाई थी। उसने देखा कि कैदियों के खाने में तो चूहे भरे हुए थे। तभी बारिश होने लगी तो उसने एक छोटी सी चट्टान के नीचे अपना अड्डा जमा लिया। उसने आग जलाकर थोड़ा पानी गर्म किया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उसने एक पक्षी का शिकार किया और उसे पकाकर खाने लगा। तभी सीपा भी वहां आ पहुंचा। उसने जिलिन का चाकू चुराने की कोशिश की, लेकिन उसने ये पहले ही देख लिया था। सीपा ने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए उसे थोड़ा नमक दिया, तो जिलिन ने भी अपने शिकार को उससे बांटना सही समझा। खाना खाने के बाद सीपा एक चट्टान के किनारे जाकर कहने लगा कि वो कूदना तो चाहता है पर उसे डर लगता है। उसने जिलिन से पूछा कि वो क्यों नहीं मर जाता, आखिर क्या रखा है ऐसी जिंदगी में। इस पर जिलिन ने जवाब दिया कि उसका पूरा परिवार मर चुका है और वो भी उन्हीं के साथ दफन होना चाहता है, इसलिए अगर वो इस आइलैंड पर मर गया तो उसकी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं हो पाएगी। थोड़ी देर बाद उनकी नजर एक एयरप्लेन के टुकड़े पर पड़ी, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें एयरप्लेन का पूरा हिस्सा भी मिल गया। उस प्लेन में जिलिन को एक आशा की किरण दिखी, क्योंकि असल में वो एक पायलट हुआ करता था, लेकिन उसे हिला पाना 2 आदमियों के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो वापस अपने ठिकाने पर आ गए। जिलिन ने आग जलाई, लेकिन न जाने उन लकड़ियों में ऐसा क्या था कि उसमें से जहरीला धुआं निकलने लगा। उसने फटाफट सो रहे सीपा को वहां से हटाया। जिलिन की बहुत कोशिशों के बाद सीपा ने आंखें खोली, लेकिन अब भी वो कुछ अजीब सा बके जा रहा था। आग बुझाने के बाद जिलिन को चिंता होने लगी कि ऐसे तो वो ठंड से कभी भी मर सकते हैं। ठंड से बचने के लिए उन्होंने
बेस पर वापस जाकर कोयला चुराने का प्लान बनाया। लेकिन बेस पर तो ओबेजियान और उसकी गैंग ने कब्जा कर रखा था। वो बाकी सबको कैद करके रखते थे और सिर्फ एक बंद जगह में ही सैर करने देते। वापस जाते समय सबको भागकर जाना होता था और जो भी आखिर में रह गया उसे वो दरिंदे मारकर खा जाते। ज़ेलिन और सीपा को आखिरकार कोयला मिल गया और वो ठंड के मारे एक दूसरे से चिपटकर आग के किनारे बैठ गए। जब गैंग किसी कैदी को पकाने के लिए ले जा रही थी तो सीपा की आँख खुली। वो जल्दी से एक चट्टान के पीछे छुप गया, लेकिन ज़ेलिन अभी भी वहीं सो रहा था। उसे घसीटकर छुपाने के चक्कर में ओबेजियान के लोगों ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर बेस में ले गए। अगले दिन सैर के बाद सभी कैदी अंदर की तरफ भागने लगे, लेकिन ज़ेलिन वहीं खड़ा रहा। सीपा उसकी जान बचाने के लिए खींचकर उसे अपने साथ अंदर ले गया। उन जल्लादों ने आखिरी बचे इंसान को बड़ी बेरहमी से एक खंभे से बांध दिया। उसने मरने से पहले पानी की मांग की तो सीपा ने तरस खाकर उसे पानी पिलाया। अंदर सभी कैदी भागने का प्लान बना रहे थे। अगले दिन सैर के बाद सिर्फ दो ही लोग अंदर की तरफ भागे और बाकी सब यूं ही खड़े रहे। उनमें से एक ने तो गैंग के एक आदमी के सर पर जोरदार पत्थर मारा। ज़ेलिन ने ओबेजियान को ऑफर दिया कि अगर वो उन्हें सरकार से खाने की मांग करने दे तो वो उन्हें उस जहाज की लोकेशन बता सकता है जो उसे और सीपा को मिला था। ओबेजियान ने उसकी बात मान ली और उन्हें कम्युनिकेशन सिस्टम तक जाने दिया। उधर ओबेजियान को पता चला कि ज़ेलिन एक पायलट हुआ करता था और उसका पूरा परिवार एक प्लेन क्रैश में मारा गया। ज़ेलिन के दिल पर इस सदमे ने गहरी चोट की और उसने गुस्से में अपना आपा खोकर फ्लाइट डिस्पैचर्स को गोली से उड़ा दिया। ओबेजियान को लगने लगा कि इस संकी पायलट को जरूर कुछ वहम हुआ होगा और उस वीरान टापू पर कोई एयरप्लेन नहीं है। उसने डील तोड़कर सभी कैदियों को वापस अंदर भागने को कहा। उधर समुद्र में ज़ेलिन और उसके साथी कम्युनिकेशन सिस्टम तक पहुंच गए, लेकिन वो टूटा हुआ था। उन्होंने वापस जाकर ओबेजियान से कहा कि रिक्वेस्ट पहुंचा दी गई है और खाना कुछ ही दिनों में आ जाएगा, लेकिन ओबेजियान उनकी बात नहीं माना क्योंकि हरी बत्ती तो आई ही नहीं थी। टोलिया ने उसे एक बार फिर प्लेन का लालच दिया, लेकिन उसे उस पर भी विश्वास नहीं था। वो लोग समझ गए थे कि ओबेजियान उनकी बात नहीं सुनेगा, तो मौका देखकर टोलिया ने उसकी गर्दन में चाकू घुसा दिया। उनके पूरे ग्रुप ने मिलकर बाकी की गैंग को भी खत्म कर दिया। ग्रुप ने ज़ेलिन से पूछा कि आगे का क्या प्लान है। उसने सभी कैदियों को आजाद करने का फैसला लिया। उसका मानना था कि खाना सच में आने वाला है। उन्हें हरी बत्ती तो इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वो टूटी हुई थी। हालांकि बाकियों को इस बात पर कुछ खास विश्वास नहीं था। ज़ेलिन का असली प्लान तो उस एयरप्लेन को ठीक करके सबको वहां से निकालने का था। आखिरकार उन्होंने सभी कैदियों को आजाद कर दिया और कहा कि अब वो एक दूसरे को मार के नहीं खाएंगे। उन्होंने कुछ आदमियों को भेजकर प्लेन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सीपा चिल्लाने लगा कि ऑपरेशन लीडर्स बकवास कर रहे थे और उनके ऊपर नजर रखने के लिए कोई सैटेलाइट वगैरह नहीं है, क्योंकि उसके बनाए इतने बड़े साइन को देखकर भी कोई मदद के लिए नहीं आया। ज़ेलिन आदमियों को एयरप्लेन तक लेकर गया और उसे देखकर सब खुशी से झूमने लगे। उन्होंने उसे डिसेंबल करके एक एक पुर्जा बेस तक पहुंचाया। कुछ देर बाद मार्टा अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंची। उन्होंने गैस के जरिए बाकी कैदियों को दूर ही रखा और सिर्फ ज़ेलिन से बात की। मार्टा ने पूछा कि उन्हें पेट्रोल क्यों चाहिए। ज़ेलिन ने बहाना लगाते हुए कहा पावर जनरेटर्स के लिए, जबकि असलियत में उन्हें प्लेन उड़ाने के लिए फ्यूल की जरूरत थी। उनकी बातचीत के दौरान ज़ेलिन समझ गया कि इन्होंने उन पर नजर रखने के लिए कोई थर्मल सैटेलाइट नहीं लगा रखी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि टापू पर कितने कैदी जिंदा हैं। उसने उन्हें बताया कि कई कैदी बीमार हैं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट छोड़कर वापस जेल नहीं जाना चाहता। उनसे जरूरत का सामान लेकर उनके जाने के बाद ज़ेलिन ने जल्दी से प्लेन में फ्यूल डालकर देखा। खुशकिस्मती से वो काम कर रहा था। कुछ ही देर में मार्टा ने आइलैंड पर अमेरिकन कैदियों को गार्ड्स बनाकर भेज दिया। ज़ेलिन ने उनके लीडर से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना बात ज़ेलिन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ के कैदियों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। जैसे तैसे सीपा ज़ेलिन को बचाकर दूसरी तरफ ले आया। ज़ेलिन के ग्रुप ने मिलकर अमेरिकन कैदियों के लीडर को मार गिराया। चारों ओर भयंकर मार काट होने लगी। प्रोजेक्ट के हेड्स ने इस पर नजर रखी हुई थी। जब उन्हें लगा कि 40% से ज्यादा कैदी मर चुके हैं तो उन्होंने कोड नेकेड आइलैंड लागू कर दिया। उन्होंने कई गार्ड्स भेजकर बचे हुए कैदियों को मारने के लिए आइलैंड में भारी बमबारी शुरू कर दी। किसी तरह चार कैदी छिपते छिपाते बच गए थे, ज़ेलिन, सीपा, अर्शनोव और टोलिया। उन्होंने मिलकर प्लेन बाहर निकाला, लेकिन चढ़ने से पहले ही सीपा उन्हें अलविदा कहकर चट्टानों से कूदने चला गया। अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। बाकी तीन प्लेन में बैठे और ज़ेलिन उसे उड़ाने में कामयाब भी हो गया। तभी गार्ड्स ने जोरदार गोलीबारी शुरू कर दी। ज़ेलिन ने बचने की काफी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसके दोनों साथी इस फायरिंग में मारे गए। सिर्फ ज़ेलिन अकेला अपनी जान बचाकर उस आइलैंड से निकल